हेलो जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की सब्जी, अंडे और आलू डाल के। तो मैंने यहाँ पे अंडे बॉईल कर लिए, आलू छील लिया है और छोटे छोटे काट ली हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट लिया है, टमाटर अभी काटूंगी। और तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम तेल डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई काफ़ी देर से गैस चालू था तो गर्म हो गया है अच्छे से। इसके बाद आलू को फ्राई करेंगे। पहले आलू को अच्छे से भून लेंगे, पक जाए जिस जैसे लाल हो जाए हल्का। आलू को मैंने फ्राई कर लिया है ऐसे। और अब मैंने अंडा डाल दिया है कढ़ाई में, अंडा फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद इसको मसाले बनाएंगे। तो अंडा भी भूल गया है, इसको निकाल देंगे। और इसको निकालने के बाद अब मसाला तैयार करेंगे इसका। तेल तो गरम है ही, अब हम डालेंगे इसमें। मैंने लिया यहाँ पे तेज पत्ता, सूखी मिर्च और जीरा, इन सारी चीजों को इसमें डाल देंगे। और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे ये प्याज और हरी मिर्च। मुझे ग्रेवी ज्यादा चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े बड़े तीन प्याज लिया है। थोड़ी सी नमक डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल लाल करना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जल्दी से गल जाए। अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हो गया है प्याज बिल्कुल लाल, देख सकते हैं आप। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर और लहसुन अदरक है, इसको डाल के अब इसको अच्छे से भूनूंगी। थोड़ा देर भूनने के बाद फिर इसमें मसाला डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। थोड़ा सा टमाटर भून गया है, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच हल्दी डाल देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाला है। और मैं यहाँ डाली हूँ मिर्च मसाले, इसमें है जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इसको डेढ़ चम्मच डाल दूंगी और इसको भी थोड़ी देर भूनूंगी हल्का सा पानी देकर। इसको तब तक भूनना है जब तक साइड साइड से तेलना है बाहर आए, तब तक इसको भूनना है। पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल के और अंडा भी इसी में डाल देंगे। पानी मैंने अपने हिसाब से डाल दिया जितना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी बॉयल उबलेगा अभी तो थोड़ा कम होगा। और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें अंडा और थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें डाल देंगे गरम मसाला थोड़ा सा। और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे, इसको दो तीन मिनट अच्छे से पकाएंगे फिर। और
से 2 मिनट तो हो गया, 2-3 मिनट हो गया है। कितना उबाल आ गया है इसमें। और ये हमारा अंडा आलू की सब्जी बन के रेडी है। फिलहाल मेरे पास धनिया पत्ता है नहीं, तो इसके ऊपर से आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। जी कैसा लग रहा है आप सबको, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।